जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा, मैं आज आपको कपूर के बारे में बताऊंगा। क्या है कपूर का रहस्य, कपूर जलाने से क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कपूर जलाने से घर के जो है वास्तु दोष जो है खत्म हो जाते हैं। भारतीय रीति रिवाजों में कपूर का एक विशेष स्थान है। इसका उपयोग जो है घर में पूजा के लिए किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है घर में कपूर रखने के कई फायदे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो है कपूर के इस्तेमाल से देवी देवताओं तो प्रसन्न होते हैं, साथ में इसका वैज्ञानिक भी रहस्य है। कपूर को जलाने से रोशनी भी थोड़ी मिल जाती है और इससे जो है जो जलने के बाद जो धुआं आता है उसमें सुगंध आती है। दोनों ही जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई है। कपूर को जलाना जो है ईश्वर के साथ एकता और ज्ञान और अच्छाई का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। अलग अलग धार्मिक और ज्योतिष कारणों को ध्यान में रखते हुए जो है कपूर को जलाना बहुत बेहतर होता है। कपूर जलाना कई तरह से लाभदायक भी है और इससे कई नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दोनों की माने तो कपूर जलाने से घर के लिए नकारात्मक एनर्जी जो है दूर होते हैं, सकारात्मक एनर्जी बढ़ जाते हैं। जलते हुए कपूर की तेज सुगंध जो होती है वो घर के अंदर जो बैक्टीरिया बने हुए हैं वो जो है बैक्टीरिया और वायरस को मारने में भी जो है कपूर बहुत बढ़िया मदद करता है, जिससे हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध प्रदान करती हैं। यदि घर में प्रतिदिन शाम के समय मिट्टी के साथ किसी पात्र में यानी मिट्टी के पात्र में अगर रख करके कपूर को जलाया जाए तो इसका धुआं जो है पूरे घर के अंदर फैला दे धुएं को। इससे जो क्या होता है घर के सभी दोष जो बने हुए हैं वो दूर हो जाते हैं। ज्योतिष में जो है कपूर का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसको जो है स्वास्थ्य के अलावा जो है कपूर का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है और यह सदियों से चला आ रहा है। घर में कई दोष अगर अलग अलग दोष को दूर करने के लिए जो है अगर कम पैसा में जो है उपाय करने का है तो कपूर को जलाएं। कपूर के साथ गाय के घी को भी जलाएं, साथ में लौंग को भी जलाएं। इसको जलाने से जो है घर की जो है नकारात्मक एनर्जी जो है दूर हो जाती है और सकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है। शाम के समय जो है कपूर जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार में शांति बने रहती है। परिवार में हर वक्त कोई ना कोई बीमार अगर हो तो उस समय जो है पोंछे अगर मारते हैं तो पोंछे में जो है थोड़ी सी कपूर बाल्टी में डाल दे पानी के अंदर और उससे पोछा मारे तो घर की जो है वातावरण जो है सुगंधित हो जाते हैं। इससे आपका जो घर में सकारात्मक जो है एनर्जी आ जाती है। अगर कोई बीमार हो तकिए के नीचे अगर कपूर रखा जाए तो उसका जो है बैक्टीरिया जो है वहाँ रूम के बेडरूम के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जो बीमार आदमी हैं वो ठीक हो जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष से अगर लग रहा है कि तकलीफ है तो घर के एक कोने में जो है कपूर को जला दें और कपूर को जलाने के बाद जो है थोड़ा काफ़ी धुआं होना दीजिए उसको। और धुआं होने के बाद उसको जो सुबह में जो है उस जो कपूर बचा हुआ है उसको बाहर फेंक दें। इससे जो है आपका घर का जो है वास्तु दोष जो बना हुआ है वो ठीक हो जाते हैं, घर में जो है सकारात्मक एनर्जी बन जाती है। अब बात करते हैं घर की लक्ष्मी की प्राप्ति। या दुकान नहीं चल रही है तो दुकान के अंदर जो शाम के समय संध्याकालीन में यानी गोधूली बेला में अगर कपूर को जलाएं तो आपका आय का स्रोत ठीक ठाक रहेगा, रुका हुआ व्यापार जो है फिर से चलने लगता है। तब तक जय माता दी।